स्वस्ति 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 में आज शुभ आया बधाई हो बधाई हो। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टाइम हो चुका है 7:30 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मैं उठा था उठ करके मैं सीधा तैयार होकर के फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो करंट सबसे पहले मुझे करंट अफेयर और न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जैसे कि आप सभी को पता है कि द हिंदू की वीडियो आ चुकी है, तो ये मुझे कंप्लीट करनी है और इसको देखना है, क्योंकि मैं लिखता हूँ और इसके बाद में साथ में नोट्स भी बनाता हूँ। तो आप भी नोट्स बनाया करो साथ में, जैसे कि मैं नोट्स बनाता रहता हूँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट लगे तो आप भी नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाइए और फिर मिलता हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं बात करूं द हिंदू की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हिंदू में जब आप नोट्स बनाएं तो उस टाइम पर जो जो इम्पोर्टेंट लगे करंट से रिलेटेड, मतलब कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है, और कौन सा मुद्दा अभी मतलब किस प्रकार का चल रहा है, तो उसको आप लिख लें, ठीक है। जैसे कि आप बात करें कि मतलब अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अभी तुरंत तुरंत हुआ है, तो आप उसके बारे में करंट में पूरा लिखें, ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव क्यों होता है, कैसे होता है, या मतलब किसके द्वारा कराया जाता है, कौन सी इलेक्शन कमीशन कराती है, कौन कराता है, या कौन सा वोटर सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में भी कई सारे वोट सिस्टम होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा वोट सिस्टम होता है, ठीक है, किस प्रकार से वोट दिए जाते हैं या वोट कौन देता है इसमें, ठीक है। तो अभी मानो अभी जो चुनाव हुआ है, ठीक है, तो इनके बारे में जब पढ़ना है तो इसको आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा अगर इसको करेंगे तो, ठीक है। तो नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो जो इम्पोर्टेंट लगे फिलहाल में जो चल रहा है कंटिन्यू में, अभी कंटिन्यूस में जो भी चल रहा है उसको लिखते जाएं, ठीक है। ऐसे ही नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, अब मेरी हो चुकी है ये। मैं फिर अपने घर से लाइब्रेरी आया, लाइब्रेरी आकर के फिर मैंने अपनी निकाली है एनवायरमेंटल साइंस, और इसमें जो है आज मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट करने हैं इसमें, ठीक है। तो सारी मैं दिखाने भी पाऊंगा, तो जितना दिखा सकता हूँ दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज ना मैक्सिमम चैप्टर मुझे खत्म करने हैं इसके, तो देखिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस मेरी बीए पॉलिटिकल साइंस की थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी है, बीए के मेरे एग्जाम भी है इसलिए। तो इसके बाद में फिर मैंने निकाली लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत में मुझे आज पढ़े स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें मेरा कुछ रह गया था पढ़ने के लिए, तो उसको कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट कर देते थे, यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया था पहले, ठीक है। इसके बाद में आगे का मुझे पढ़ना है, आगे का कंप्लीट कर लेता हूँ। ये तो पढ़ ही रहा था, इसके बाद में देखा तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी दिल्ली में, तो तेज़ से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश थी, तो सभी लोग मतलब कुछ लोग भीग भी गए थे, बाहर घूम रहे थे वो, तो हम लोग फिर सभी यहीं पर खड़े थे, तो बारिश देख रहे थे कि भाई तेज़ पानी पड़ रहा है। मैं भी बाहर से अंदर से बाहर निकल के आया, देखा तो पानी तेज़ पड़ रहा था, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो अच्छा है कहीं ना कहीं, चलो गर्मी कम हुई और बारिश तेज़ हुई, तो कहीं ना कहीं ये है कि पानी की कमी नहीं होगी और अच्छी मतलब मौसम सुहाना रहेगा। तो अब जो है मुझे जाना है खाना खाने के लिए, तो खाना मैं खा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा लंच है, तो लंच करने के बाद फिर आपको मिलूंगा, तो लंच करने जाता हूँ। देखिए लंच में मैं क्या लेके आया हूँ,
तो लंच में मेरा है पराठे हैं, छोले की सब्जी है और अचार वगैरह है जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको खाऊंगा। इसके बाद फिर मुझे जाना है लाइब्रेरी में अंदर, और इसके बाद फिर मुझे पढ़नी है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मेरी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की है। ठीक है, जेनरेटिक सब्जेक्ट है ये वर्ल्ड आफ्टर 1945, और इसमें मुझे आज पढ़ना है दो चैप्टर पढ़ने। ठीक है, तो एक चैप्टर तो ये है कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। क्या आप कोल्ड वॉर के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताएं, नहीं जानते तो बताएं। ठीक है, कोल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था एक बार जरूर कमेंट में वो करके बताना कि कोल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था। ठीक है, इतना मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाना। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर। तो दोस्तों, हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद में फिर आ गई है लक्ष्मीकांत का नंबर आ गया है। लक्ष्मीकांत पढ़नी है मुझे। तो जस्ट नाउ आई एम रीडिंग लक्ष्मीकांत, तो दिस चैप्टर इज हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट, यू नो हाई कोर्ट इज अवेलेबल इन एवरी स्टेट। सो इन इंडिया हैव 25 हाई कोर्ट्स। ओके, कहीं कहीं यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो हम लोग ये दो हाई कोर्ट एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं निकाल लेता हूँ, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लक्ष्मीकांत देख पा रहे हैं, तो इसको फिर दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद फिर मुझे इसको पढ़ना है। ठीक है, हाई कोर्ट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, और बड़े ही एनर्जी के साथ में इसको कंप्लीट करते हैं। आज दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के दो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में फिर मिलता हूँ आपको, और इसके बाद मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होने वाला है, और इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर मुझे जाना है एटीएम जाना है। एटीएम जाकर के मुझे पैसे कुछ निकालने हैं। ठीक है, तो एटीएम पहुंच चुका हूं मैं, और एटीएम से मुझे ये पीएनबी का एटीएम है, और यहां पर मैंने अपना कार्ड लगाया, और कार्ड लगाने के बाद मैं अपने पैसे निकालता हूं, क्योंकि पैसे ज़रूरत थे मुझे, तो फिर इसलिए मैं आया, और इसके बाद फिर अपने पैसे निकाल लेता हूं। पैसे निकाल के फिर मुझे जाना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन हो जाता है अभी, तो इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, और ऑन करके अपना अमाउंट डालूँगा। अमाउंट डालने के बाद में फिर मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी निकाले हैं कुछ रुपए, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो मशीन में बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है निकालने में। मैं आया फटाफट फटाफट निकाल लिए, अब जा रहा हूँ, क्योंकि अब जाना है मुझे। थोड़ा बर्थडे भी आज मेरे थोड़े भाई का, एक दोस्त बोल सकते हैं भाई, मतलब फैमिली में ही है, तो उसका बर्थडे है, तो उसका बर्थडे में जाना है, यहीं पर है, तो उसके घर जाना है। चलिए फिर मिलते हैं वहीं पर। हमारे यहाँ पर खास करके ये होता है, केक वगैरह का ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हम लोग, हवन करते हैं। ठीक है, किसी का बर्थडे होता है तो ऐसा कुछ ना सोचें, हमारा जो है हवन होता है, हम लोग सभी एक साथ बैठते हैं, इसके बाद हवन करते हैं, उसी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बर्थडे के रूप में। जन्मदिनम शुभमस्तु सदा। बोलो जन्मदिनम शुभमस्तु सदा। 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 जन्मदिनम शुभमस्तु सदा।